नए नए वीडियो की जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे ऑल हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल को, और इस रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकेगी। नमस्कार दोस्तों, ऑल हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित। दोस्तों, आज की वीडियो में बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस डे फोटो फ्रेम में अपनी फ़ोटो को कैसे सेट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो अगर आपको व्हाट्सएप पर ऐसी फ़ोटो फ्रेम में अपनी फ़ोटो को सेट करके अपनी DP को सेट करना है तो फिर आज की वीडियो को आप आखिरी तक देखते रहिए। अगर आप एक इंडियन हैं तो आप व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह में अपनी DP को ज़रूर चेंज करते हैं और कई ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर करते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एंड्रॉयड ऐप के ज़रिए आप बड़ी आसानी से इंडिपेंडेंस डे फोटो फ्रेम में अपनी फ़ोटो को सेट कर सकते हैं। इसके लिए बस आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए और आपको अपने फ़ोन में एक छोटी सी ऐप को इंस्टॉल करना है, और इस फ़ोटो को कैसे बनाना है इसकी जानकारी मैं आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए और बड़ी आसानी से आप इस फ़ोटो को बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे फोटो फ्रेम में अपनी फ़ोटो को कैसे सेट करते हैं। और इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो यहां पर आपको रेड बटन दिख रहा है और यहां पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने बाद आपको बेल आइकन दिखेगा उसको भी ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर चलना है। तो यहाँ से मैं प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ, तो प्ले स्टोर ओपन हो रही है। जैसा प्ले स्टोर ओपन हो गया है और इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है 15 अगस्त फ़ोटो फ्रेम। तो मैंने पहले से सर्च कर रखा है तो यहाँ पर आ गया है, और सेकेंड या थर्ड नंबर पर आपको ये ऐप दिख जाएगी, क्योंकि दो तो एडवर्टीज हैं तो पहले नंबर पर ही आपको ये ऐप दिख रही है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने अपने फ़ोन में पहले से इंस्टॉल कर रखी है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको ओपन कर देता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फ़ोटो को कैसे बनाना है। तो यहाँ से मैंने इस ऐप को ओपन कर दिया, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऐप ओपन हो रही है, और यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, और पहला ऑप्शन है कैमरा और दूसरा ऑप्शन है गैलरी। अगर आप कैमरे से कोई फ़ोटो लेना चाहते हैं इंस्टेंट, तो आप यहाँ पर कैमरे पर क्लिक करें, और अगर आप कोई गैलरी से फ़ोटो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो गैलरी पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि मैं गैलरी से फ़ोटो को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो गैलरी पर मैंने क्लिक किया, यहाँ से आ गई गैलरी, और यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो पिक कर सकते हैं। तो मैं आपको एक डेमो करके यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं कोई एक पिक ले लेता हूँ, जैसे कि ये मैंने पिक ले ली, तो ये ओपन हो रही है। अभी यहाँ पर आ जाएंगे, कई सारे फ्रेम आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि ये दोस्तों, ये इस पिक्चर को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, इसके बाद हम फ्रेम पर क्लिक करेंगे। फ्रेम पर क्लिक किया तो आपको 10 या 15 तरह के यहाँ पर आपको फ्रेम देखने को मिलेंगे। इसमें कई सारे फ्रेम दिए हुए हैं और आपका जो भी मनपसंद फ्रेम हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा मैं आपको पहले फ्रेम में फ़ोटो को लगा के दिखाता हूँ, ये मैंने ले लिया। तो जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ोटो इस फ्रेम में आ चुकी है। यहाँ से आप जूम भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, या रोटेट कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको ये फ्रेम नहीं पसंद है, कोई दूसरा फ्रेम चाहिए, तो फिर फ्रेम पर टैप करेंगे, इसके बाद आप अपने मनपसंद फ्रेम को सिलेक्ट करें। जैसा कि मैंने ये फ्रेम सेलेक्ट किया है, तो इस फ्रेम में भी आप इस फ़ोटो को देख सकते हैं, और यहाँ से भी इसमें भी आप छोटा बड़ा जो भी आपको करना हो यहाँ से कर सकते हैं। अगर ये भी फ्रेम पसंद नहीं है तो कोई दूसरा फ्रेम लगा सकते हैं, इसमें आपको कई सारे फ्रेम मिल जाएंगे। जैसे कि ये फ्रेम काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ से मैं इस फ्रेम को सेलेक्ट करता हूँ, इसमें भी आप फ़ोटो को लगा सकते हैं। फिर बाद में व्हाट्सएप या फेसबुक में शेयर करने के लिए या अपनी DP सेट करने के लिए यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप डायरेक्ट इस इमेज को सेव कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लिख के आ गए, इमेज सेव हो चुकी है। इसके बाद आप गैलरी में जाइए और वहाँ से आप इमेज को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपको कैसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर गैलरी पर मैं जाता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं, जो भी इसका फोल्डर होगा वहाँ पर आपको इमेज देखने को
मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।